लेके करके आओ, आदित्य आओ, आदित्य आओ, आदित्य आओ, आदित्य, फिर लड़ाई करो के तो दो Welcome to Kite Culture. दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है काइट कल्चर। आज है दिन जमगढ़ का, तो आज सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजी होगी। चलिए सीधे पेज की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे वाली जो पतंग घूम रही है ये मेरी है, और राइट साइड की तरफ से जो लेफ्ट साइड की पतंग है जो ऊपर खींचा वो है अपोनेंट की पतंग। मैं पतंग ये देखिए थपकी मार रहा हूँ, ज़्यादा मैंने बढ़ाई नहीं है, टावर के करीब रखा है 250 मीटर। ये देखिए मैंने पतंग ऊपर की, उसने और लेके आया। मैंने अपनी पतंग देखिए हल्के हाथों से चला रहा था क्योंकि झोल मैं ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि उसकी पतंग से अगर टच हो जाएगी तो मेरी पतंग कट जाएगी, क्योंकि उसकी पतंग देखिए बिल्कुल सीधी है, मतलब उसकी पतंग में ज़रा भी झोल नहीं है और हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी इस वक्त। हालांकि जमघट का दिन है, हवा अच्छी चल रही है, लेकिन इस वक्त हवा नहीं लग रही थी जबकि उसकी पतंग में अच्छी हवा लग रही है। ठीक है, मैं और लेके गया, ऊपर किया, उसने खींचा और मैं खींचता हुआ चला गया क्योंकि मुझे पता था कि उसकी पतंग हल्की है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एंगल बनाया था मैंने, थोड़ा सा अंदर लेके गया, बिल्कुल सीधा खींचा, उसने हल्के हाथों से खींचा था जिसकी वजह से झोल बना और वो कट गया। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। अपोनेंट मेरे आगे से उड़ा रहा है, लगभग 40 मीटर आगे से है और 25 से 30 मीटर मेरे लेफ्ट से खड़ा हुआ है, लेफ्ट में खड़ा हुआ है। नीचे की पतंग उसकी है, ये देखिए मैंने एंगल सेट कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये मेरी पतंग ऊपर है, अभी हल्की सी हवा कम है, पतंगों की चाल से आपको समझ में आ रहा होगा। लगातार वो पतंग अपनी खड़ी किए हुए है और मैं भी उसके ऊपर ही रखे हुए हूँ पतंग, क्योंकि मैं नीचे का पेच नहीं लेना चाहता, क्योंकि बिल्कुल खड़ा गद्दा जब नीचे पड़ेगा, हालांकि अंदर खींच सकता हूँ लेकिन तब भी उसकी पतंग जो है खड़ी रहेगी। अब ये देखिए मैं पतंग उसको लालच दे रहा हूँ कि बिल्कुल खड़ा खींचे, लेके जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, थोड़ा बाहर निकाला और नीचे किया, ये देखिए जल्दी से ले जा के रखा, उसने खींचने की गलती की, मैंने अंदर रुख दिखा दिया। अब ये पेज तो मैं बाकायदा अच्छे से सीख गया हूँ, ठीक है ना दोस्तों, आप भी सीख ही गए होंगे कि कोई खींचे तो उसी की तरफ खींच दो। अगर इसने पट मार दिया होता, रोक दिया होता, या पतंग रोक दी होती, या थपकी मार देता वहीं खींचने के दौरान ही, तो मैं कट जाता, ठीक है। तो इस पेज का यही तोड़ है, अच्छा काटा ना दोस्तों। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब काइट कल्चर का ऐसा असर है कि मेरे मोहल्ले में भी बहुत सारी पतंगें उड़ने लगी। ये देखिए ऊपर देखिए कितनी सारी पतंगें, और मेरी पतंग वो लगी है, लड़ रहे हैं क्योंकि छोटे वाले बच्चे भी बहुत परेशान करें। बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, आज जमघट का दिन और ज़बरदस्त हर तरफ से पतंगें उड़ रही हैं, बहुत अच्छे। ये देखिए शिवम उड़ा रहा था, शिवम उड़ा रहे थे। और आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर की तरफ से जो बहुत ही ज़्यादा हरकत कर रहे हैं ये हमारे कोई छोटे भाई हैं, देखिए पतंग लगातार घुमा रहे और चढ़ाते चले आ रहे मेरे ऊपर। ये देखिए इनकी पतंग इतनी ज़्यादा घूम रही है और बिल्कुल बगल में मेरे हत्थे लिए हुए, यानी हाथ की तरफ। ये देखिए और चढ़ाए इन्होंने, चढ़ाते चले जा रहे, मैंने बाहर की तरफ कस के खींचा, ठीक है। मांझे को आप पास ला के थपकी भी मार देते तो ऐसे पेज कट जाते हैं इन लोग। आइए दोस्तों अगला पेज समझते हैं। मेरा पेज नीचे से रहेगा, जो ये पतंग नीचे की तरफ है बी सबसे। ये देखिए मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि पारस पतंग लगातार अपनी खड़ी किए हुए, ये देखिए हटा रहा है, और हटाया पतंग जो सबसे लेफ्ट चली गई वो पारस की पतंग थी। अब ये जो मैंने पतंग ऊपर की ये मेरी है, देखिए थोड़ी सी ऊपर कर ली। अब देखिएगा धीरे धीरे, अब ये देखिए उसके झोल को टांग के थपकी मारने लगा, वो ऊपर की तरफ से था मेरे, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के थपकी का यूज़ आप करिए तब जब आपको जगह मिल जाए। ये देखिए मेरी पतंग नीचे थी, एक बार रिप्ले देखिए, मैंने जल्दी से पतंग ऊपर करके ये इसका झोल टांग लिया, ठीक, झोल टांगा, उसके बाद कस के थपकी मारी क्योंकि चुस्किया तो दे नहीं सकते थे, हवा थी नहीं, मारा थपकी हौंक के चले गए। तो दोस्तों आज हम सिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आप अपनी थपकी का यूज़ आप किसी भी तेज़ खींचने वाले के अगेंस्ट कर सकते हैं, अगर आपको झोल का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। ये देखिए मैंने बाहर पतंग निकाली, उसने पतंग नीचे रखी, मैंने तुरंत पतंग उसकी फिर उठाई और फिर से टांग लिया, लेकिन उसको जगह मिली, उसने बाहर खींचने की गलती कर दी क्योंकि मेरी पतंग बिल्कुल टाइट थी और मैं बहुत तेज़ थपकी मार रहा था, और बिल्कुल सीधी पतंग थी मेरी, उस पर तेज़ निकलता हुआ
आप खींचोगे तो गलत होगा, आपको अंदर की तरफ मेरी तरफ करके थपकी मारनी चाहिए थी। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। मेरी पतंग टावर के जो टॉप पे घूम रही है ना, वो मेरी पतंग है बिल्कुल सामने, ठीक, ये जो बिल्कुल टावर के पास है, और उसकी पतंग देखिए लेफ्ट साइड में, ये जो पतंग घुमा रहा है ना, ये अपोनेंट है जो कि राइट साइड की तरफ से बढ़ाए हुए है, ठीक है। ऊपर का पेज ले रहा है अपोनेंट, ये देखिए अंदर की तरफ ला रहा है, मैं पतंग अभी भी घुमा रहा हूँ, ऊपर किया मैंने, ठीक है, और ऊपर कर लिया पतंग, उसने मारा और ये मैंने थपकी मारी कस के, जगह थी नहीं, क्यों खींचेंगे? अगर आपके पास 5 हाथ की जगह नहीं है खींचने की तो आप कभी मत खींचिए, थपकी का ही यूज़ करिए, जितना हो सके थपकी मारिए तेज़। आइए दोस्तों अगला पेज दिखाता हूँ। ये वही बंदा उड़ा रहा है जो पहला पेज मैंने लड़ाया था, मेरे से 40 मीटर आगे और लगभग 25 मीटर का फटाव है, यानी डिस्टेंस है। अब देखिए ये ऊपर से आ रहा है, मैंने पहले क्या कहा था कि इसको ऊपर से मैं जा रहा हूँ, नहीं तो ये गद्दा मारेगा, लेकिन अब मैं नीचे से जा रहा हूँ, जो पतंग मेरी घूम रही है देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो ऊपर से आ रहा है, चढ़ा रहा है, देखिए मैं और नीचे लेके चला गया, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ, उसने पतंग और खड़ी कर ली, ठीक है, मैंने पतंग हल्की निकाली ऊपर की, ये देखिए थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या करूँगा, थपकी का यूज़ आपको आज पूरी अच्छी तरह से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर किया मैंने पतंग, वो भी एंगल बना रहा है बढ़िया सा, ये देखिए थोड़ा सा पतंग उतार लाया, ये देखिए मैंने थपकी मारी अंदर की तरफ, उसने गद्दा मार दिया, अब वो अंदर गद्दा ही मारता और मैं थपकी मारने के लिए रेडी था, हालांकि जैसे ही लगा कि थपकी अब मैं मारना चाहिए, मतलब जैसे ही लगा उसका मांझा आ जाएगा, बस मैंने स्टार्ट कर दिया, उसी समय उसने गद्दा मार दिया, तो थपकी अंदर की तरफ पड़ रही थी जिस वजह से ये कट गया। और ये सारे पटाखे कल तक गए हैं, और ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये नया है, क्या नाम है तुम्हारा? क्रिटॉस। तो ये क्रिटॉस कौन सा नाम है तुम्हारा? पबजी वाला है? अच्छा अच्छा, चलो रुको, नहीं यार थोड़ा गरीब है, 12 प्रो मैक्स है, पैसा दिलाओ तुम लोग, रुको रुके रहो रुके रहो रुके रहो, 60-70 मीटर होगी, अबे रुक जा ना, चलो गल्ला करो, चलिए आपकी है, नहीं ये किसी और की है, मैं उसका चुरा लाया हूँ, चलो करो करो, कवर कितना मोटा है, क्या नाम है इसका? मोहम्मद नसीम, बहुत बढ़िया मांझा है दोस्तों, हालांकि इनको भी अच्छा मांझा दे रहा हूँ मैं, ताकि ये पेच, ये कैसे लड़ेगी पता है तुम्हें, पेच फंसा दोगे उसकी देते जाना फट से कट जाएगा, ये भरता नहीं आता है, ये लगभग होगा 2200 रुपए का है। भाई ने मुझे दी है और अभी वो फिलहाल मुझे चक्की दे ना दे, आई मीन कुछ नहीं पता। तो कैसा जा रहा तुम लोग का जमघट अभी तक? भाई देख रहे पता हवा भी नहीं अच्छी है और प्लस वो पता हवा नहीं अच्छी है, हवा अच्छी सॉरी सॉरी, अब पता नहीं इतनी ज्यादा नहीं, धीरे 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 बोलो धीरे बोलो, तुम ही चर्की ले लो, तुम ले लो, तुम ये ले लो, भाई चर्की इसको दे दें यार, भाई वो पतंग बाज में बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, दो पतंग आपसे ले गए, कोई बात नहीं और पतंग ला रहा हूँ ना, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी तो ये पहले वाली पतंग है बची थी ना मेरे पास। यार एक काम करो भाई, ऐसे नहीं ये खुलेगी, एक तरफ पकड़ो और एक तरफ उसको कस के, तुम्हारे लिए चर्की, ठीक इसी में रील भर लेना। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. गार्डन की कल हमारे सफाई की गई है,
ठीक है, सफाई करते रहनी चाहिए। बढ़िया, आप चल रहा बढ़िया है। तो ये देखिए बल खुला मांझा किसे कहते हैं, देख लो दोस्तों, देखिए देखिए, देख रहे हैं आप, कहर मांझा है फंसाने के लिए। दोस्तों साथ है हमारे अभिषेक, और अभिषेक पतंग लड़ाते हैं बहुत अच्छी। अब ये बताइए अभिषेक, एक क्वेश्चन ये है कि ऊपर से कोई गद्दा मारेगा तो तुम क्या करोगे? पट मारेंगे। मतलब नीचे मार दोगे? बहुत अच्छे अभिषेक, बहुत बढ़िया। भरे रहो भैया, भरे रहो, लगा रहो, तेज चला हाथ, हाथ से चला, पता है? करो 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 करो, कितनी चर्गी हो अभी भाई? भर्रा दिखा भाई, भर्रा वाले। अभी कितनी भर ली हो ये भाई? एक चर्गी लगभग हो गई, बहुत ज्यादा ही भर ली भाई। अबे भर्रा दिखा, भर्रा दिखा देखो यार, भर्रा दिखा, लो हम दिखा रहे हैं। मेरी चर मेरे हाथ की तरफ रखना तुम, बस चर्गी अभिषेक तुम थोड़ा रनिंग करो यार, मेरे जैसे होते यार। अच्छा सॉरी, लेकिन तुम रनिंग करो भाई, मेरी तरह होते जाते रहो भाई। अभी देख लेना, अभी अभी हम भरेंगे अपनी वाली चरखी में जिसके अंदर सद्दी भरी हुई है, और फिर वो हम बच्चा दे, मतलब चरखा लेके आएंगे, फिर उसमें पूरा भर देंगे। हां भर लेना, कम से कम एक दो फिरकी से तो लेंगे लेंगे। एक और फिरकी खत्म होने वाली है भाई, मुश्किल से कितना होगा, मतलब फिरकी कितनी? ये अब होगी दो फिरकी होगी ना, 10 फिरकी होगी, 10 फिरकी, 10 9 या 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एक फिरकी में, 900 मीटर, मतलब कि सारी दुनिया पर, दुनिया पर, दुनिया पर हो जाएगी भूतनी के। चलो चलो चलो, अब लाओ दे दो, रुक जाओ, खत्म कर। बहुत अच्छे यार, रख दो। क्या लगी चल रहा है? बहुत बढ़िया रील है ना, छू के समझ में आ रहा हो? कैसे लग रहा है, कैसे लग रही रील? अच्छा लग रहा है, कैसी रील है? अच्छी है भाई, कितना ले लेंगे भाई? बहुत रील हम खत्म ही कर देंगे, मेरे लिए क्या बचाएंगे भाई? वो 12 फिरकी का बंडल है, बंडल है समझे, करते रहो दिन भर तब भी नहीं खत्म होगा। मतलब जिस हिसाब से तुम कर रहे हो तुम लोग। अच्छा ये बताओ विनीत, विनीत कि मचलोगे तुम? एक जगह खड़े रहो चुपचाप, इनका अलग ही सीन चलता है। ये बताओ विनीत, कैसा आज का माहौल है, पतंगबाजी कैसी चल रही है, ठीक है? हवा कैसी चल रही थी आज? आज तो बढ़िया हवा चल रही है, कुछ पतंगे लूटे उठे हैं? नौ बजे से आपकी पतंगे लड़ा, मेरी पतंग लड़ा सकते। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गया डंडा गया एक चक्की, ये अगला अगला अगली चरखी लेंगे, एक दो फिर भैया रुक जाओ यार ले लेना, क्या करते हैं तोड़ के इधर बांध के अपना करते। ये विनीत और चौड़ा कैसे लगा जा रहा है? वो पास से दिखा रहे ना, है पास से दिखा, पास से दिखाएंगे तो बहुत चौड़ा लगता है। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी बांधो जल्दी बांधो भैया, मेरे कन्ने बंधे रखे हैं, मुझे पतंग लड़ा नहीं, हाँ चीज गाँव नहीं बता रहे, धीरे बोलो धीरे बोलो, चलो उसमें। अरे यार लड़ाई मत करो भाई, तुम लोग अभी पापा आ रहे हैं, सबको मार पड़ेगी, जल्दी करो जल्दी करो। तो दोस्तों अगर आपको फंसाने के लिए मांझा चाहिए तो बेहतरीन मांझा है ये मुझे मिला था चांद भाई के यहाँ से, 2000 रुपये का ये मांझा था, मोहम्मद नसीम और अनस भाई का ये मांझा है, और इन्हीं को मैं बांट रहा हूँ बच्चों को। भर कैसे तेजी से हाँ चला, पहले थोड़ा सा भर, पहले थोड़ा सा घुमाओ नहीं तो घूमता जाएगा। हाँ चलो भर, तेजी से हाथ मारो, ये भर रहा बढ़िया, फंस क्यों रहा है देखते रहना, ढीला पड़ जाएंगे। क्या कह रहे हो? कवर कवर कवर, फोन देखना है अंदर से, दिखाने इसका इधर भी भाई कैमरा हटा के दिखाइए, मैं आपका फोन देखना है, उससे क्या होगा? अरे मतलब बैकअप तो बोलता रहा हूँ, 12 प्रो है। अरे तो भैया बैकअप दिखा दे, एक बार दिखा दे, अच्छा रुको दिखा रहा हूँ, पकड़ो इसको, भरा दिखाओ हल्का सा हल्का सा हल्का सा, अरे रुको ये लो भाई कवर हटा रहा हूँ, कवर हटा दिया है भाई, दिखा तुम लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो यार? ओ भाई साहब और क्या, कभी देखी नहीं, सब लिए चलते हैं भाई, भाई उसको भर्रा दिखाओगे, देर हो रही है,
मैं चला जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे फिर तुम। भाई ओ भाई साहब, चलो चलो हो गया हो गया, हमारी एक फिर किस ज्यादा हो गई भाई तुम्हारी। विनय तुम्हारी चरखी तो छोटी है, दिया तो है एक चरखी अभी तुम्हें भाई, दो चरखी। चलो ठीक है ठीक है, बरो बरो बरो, चलो चलो चलिए दिखाओ। अबे भर्रा दिखा रहे हो कोई? तुम्हारा जितना बड़ा शरीर है उस हिसाब से चरखी थोड़ी छोटी नहीं लग रही है। जल्दी करो जल्दी करो, काम कर दो। जल्दी करो, एक फिरकी में 900 मीटर होता है। आपको पतंगे बहुत है ना? नहीं मैं बिल्कुल एक रुपए पतंग नहीं मेरे पास। चरखी भर रहे हैं बरेली लॉयन को, इन थोड़ी सी मांझा भी मिला है बरेली लॉइन वाला इनको, हालांकि 60-70 मीटर है उसमें ज़्यादा बचा नहीं था, लेकिन चरखी मिली है उन्हें और मांझा बन रहे हैं। कौन सा मांझा बन भर रहे हैं, मांझा भर रहे हैं, मांझा भर रहे हैं मोहम्मद नसीम और अनस। दोस्तों वाकई बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मांझे का, एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये देखिए पतंगों पर स्टिकर भी लगा रहे फटाफट इन लोग, ठीक है जहाँ पतंग जाए काइट कल्चर भी जाए उसके साथ। निकल आ रहा है स्टिकर, एक एक निकाल, एक एक लगाना, ठीक है जल्दी जल्दी लगाओ, तुम जल्दी जल्दी भरो भैया। चौथी फिर की चल रही है ना ये? अबे भाई क्या क्वेश्चन करना है? ये हम कह रहे हैं कि जो आपके ये स्टिकर इनका और ये भैया हैं, देख सकते हैं आप ये भैया हैं, और ये इनके संग कौन है भैया? ये राजा हैं, राजा कौन? पतंग के बादशाह, इनसे बड़ा कोई पतंगबाज नहीं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उस्ताद आगा भैया। हाँ उस्ताद आगा भैया, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम लोग को क्या बताएं, तुम लोग भैया तुम जो कहा है वो करो बस। भैया लगा लो, सब पे लगा दो, सब पे लग गई। वो देखो उधर पड़ी है गार्डन में, गार्डन में दो स्टिकर खत्म, नहीं स्टिकर होगा यार, वो देखो वो पड़ा है, वो पड़ा है, ये उठाओ। अरे कसम उल्टा लगा दे रहे स्टिकर, कोई दिक्कत नहीं कैसे भी लगा लगा दो। ये भी पूरी बच्ची लेकिन बर्फ ले लेंगे। चौथी फिर की खत्म, चार फिर की खत्म। हां भाई ये लाइट इसे लगा, हां लगाओ लगाओ इस पे लगाओ, ये हम उड़ाएंगे यार, हमको बड़ी बड़ी पतंगे हमको दे जाए करो तुम लोग किसी काम के लिए। एक ही मेरे पास, हाँ तो पौने अगर हुआ करो, पाँच पौने रखे हैं, आप लीजिए। पाँच पौने हैं तो दे देना हमें यार, तुम्हारे पास पौने रखे? नो, ओके तुम्हारे पास पौने रखे? नो, आपके काम आएगा इसको पकड़ो। क्या है रखा क्या अभी? अभी आराम से आराम से आराम, बगली में सब छुपा देता। क्या चीज़ क्या हुआ था? देखिए हम लोग प्लान बना रहे थे, हम लोग प्लान बना रहे थे कि भैया के पास आएंगे और भैया पतंग देख के कम पतंग देंगे, सब कोने में रख दिया। देखे 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 देखे, कोई बात नहीं, हाँ चल जाएगी हवा जैसे, चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी। नहीं यार तुम रखो यार,
पतंगे बहुत है भैया, आप एक सेकंड मेरे से गा सकते हैं? कहाँ यहीं तक आओ आइए। नहीं भाई मेरी एक ही पतंग है। आइए भैया नहीं पतंग खरीद के लाए थे। अरे यार तो फिर हमसे क्यों लेके जा रहे हो यार तुम लोग? भाई हम लोग जरूरत तुम लोग हैं। चलो ठीक है ठीक है। सबके लिए हो गया मांझा? और तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए भी हो गया? तो चार फिरकी खत्म। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको इधर रख देते हैं। एक एक करके आओ। आदित्य आओ, आदित्य आओ, आदित्य आओ, आदित्य। फिर लड़ाई करोगे तो दोनों सबको भगा दूंगा। हाँ चलो आदित्य उठा लो, तुम अपनी तीन पतंगे उठा लो, जो मर्जी आए उठा लो तीन पतंगे पहले। जो फिर बचेंगी आखिरी में ज़्यादा होगी तो एक एक और बढ़ा देंगे। जल्दी करो, तीन कोई भी उठाओ। तो पागल मजूली उठाए। चलो आओ, क्या नाम है तुम्हारा? विनीत। विनीत आओ, कोई भी तीन पतंगे उठाओ जल्दी। तीन उठाओ जल्दी कोई। चलो विनीत साइड में आओ। चलो क्या नाम है? ऋषि आओ। ऋषि तीन पतंगे कोई सी भी उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। एक दो फर्री उठा लिए, ठीक है ठीक है। एक और दो फर्री, बस तीन पतंगे उठाओ एक साइड, ठीक है। हटाओ पतंग, हटाओ। अभिषेक चलो तीन पतंगे उठाओ। अभिषेक तीन पतंगे उठाओ जल्दी जल्दी। तुम लोग बोलो नहीं पहली बात तो ये, ठीक है। पारस आओ, तीन पतंग उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। दो फर्री उठा लिया, ठीक है। अंकित उठाओ तीन पतंगे। चलो तीन तीन उठा लिया, साइड करो, तीन तीन उठाओ। अबे अद्धी उठाना है, ये उठा, ये बड़ी पतंग है, बहुत बड़ी है, बहुत ठीक है। चलो अब आ जाओ सबसे पहले कौन? अच्छा तुम आओ। ऋषभ उठाओ तीन पतंगे, उठाओ तीन पतंगे जल्दी जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाइए, ठीक है। अब सबसे पहले कौन आया था? जल्दी रखो यार, जो लेना है जल्दी करो भाई, पतंग उड़ाने जाना है हमको। आदित्य उठाओ एक पतंग, उठाओ कोई सी एक। फिर कौन आया था? फिर विनय एक पतंग कोई सी उठाओ, एक पतंग कोई सी उठाओ। फिर कौन आया था? हाँ उठाओ एक पतंग कोई सी उठाओ, जल्दी उठा लो यार। और कौन आया था? चलो आ जाओ एक पतंग जल्दी से उठा लो। अगला कौन आया था? आओ पारस उठाओ एक पतंग कोई सी उठाओ। चलो अंकित एक पतंग कोई सी उठाओ, एक पतंग कोई सी उठाओ। हाँ उठाओ, दो पतंग बच गई, दो पतंग अब मैं ले लेता हूँ। बराबर बच गई ना, चार चार। चलिए बहुत अच्छा लगा, सबको जमघट की शुभकामनाएं। जाइए पतंग उड़ाइए, चलिए फटाफट चलो निकलिए, चलो चलो फटाफट चलो। भैया आपको जमघट की सारी शुभकामनाएं। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, ठीक है। बाय, हैप्पी जमघट। ओके बाय बाय। चलो दिवाली कल थी, ठीक है। चलो बाय 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 बाय। जल्दी करो यार विनीत, चलो बाय 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 बाय। ये नहीं करे, ये भी नहीं, दोनों रख ले। जाओ जाओ जाओ, बाय बाय बाय। और एक बार फिर से हम लोग छत पे आ चुके हैं दोस्तों, बहुत सारी पतंगे, मतलब कतई जहर हो रहा है बिल्कुल। इधर भी ये देखिए, जहाँ देखेंगे उधर भी पतंग है। बहुत अच्छा लग रहा है ये इतने दिन बाद यहाँ पे पतंगबाजी देखे, क्योंकि अमूमन यहाँ पे पतंगबाजी इतनी होती नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आज हर छत से पतंगबाजी चल रही है। ये देखिए इधर ले जा रहा हूँ, उधर एक ना एक पतंग स्क्रीन में आ ही रही है। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। ये मेरी पतंग जो अभी दिख रही है ना लेफ्ट साइड में, ये मैं नीचे कर रहा हूँ, सबसे नीचे वाली नहीं देखिएगा। ये देखिए ऊपर से बहुत तेज़ी से गद्दा मारा मैंने, पतंग घुमाई घुमाई अचानक से अंदर खड़ा खींच के रोक लिया पतंग। अब अंदर खड़ा करके रोक लिया था पतंग, ये पेज मेरा, मैं अपने पेज को पेज ऑफ द डे दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये पेज लगा। वो बिल्कुल मारता हुआ लाया, लेकिन मैं और खड़ा करते हुए चलता चला गया, वहाँ पे पतंग रोक के दो तीन थपकी मार दी। बहुत ही अच्छा पेज काट दिया मैंने। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। इस बार ओपोनेंट मेरे लेफ्ट साइड की तरफ से बढ़ाए हुए लगभग 25 मीटर आगे और 40 मीटर पीछे से उड़ा रहा है, ठीक है। ये मैं अंदर लेके जा रहा हूँ मेरी पतंग, देखिए
और ये बगल में जो पारस ना पतंग बिल्कुल खड़ी करके रखता है, ये देखिए, इसलिए मैं अंदर लेके ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ, इसीलिए इन लोग को पतंग नहीं देता हूँ मैं। अब देखिए मेरी पतंग ले जाके पार कर रहा है, बिल्कुल खड़ी कर दिया है, ये देखिए उसने गद्दा मारा, मैंने अंदर की तरफ रुक दिखाया, उसने पतंग रोकी। देखिए कितना समझदार है मेरा ओपोनेंट भी, और ये बहुत अच्छा लड़ाते हैं, गोशी भाई हैं, पीछे भेड़ी कोठी है एरिया, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाते हैं ये, मतलब हमारे इलाके में सबसे अच्छी पतंग यही लड़ाते हैं अब्दुल भाई के बाद, या इक्विलेट कहें कह लें अब्दुल भाई के। फिलहाल देखते हैं, अब देखिए मैं अंदर इसलिए नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर देखिए ऊपर जो है पारस पतंग खड़ी किए हुए, नहीं तो मैं अंदर चढ़ बैठ के लड़ाता थोड़ा सा। अब मुझे क्या उनके कन्ने के पास रखना पड़ रहा है, देखते हैं। ये देखिए कैसे पतंग उड़ा रहा पारस, देख रहे हैं आप, देखिए फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि वो पतंग नीचे भी नहीं ला रहे ना, क्योंकि हालांकि मैंने कन्ने पे रखा है इसलिए। अब देखिए थोड़ी सी मैं जगह दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऊपर किया, इन्होंने दिखाई नीचे खींचेंगे, मैंने ऊपर खींच दिया, इतनी बड़ी गलती कर गया मैं। उन्होंने दिखाया कि पहले मैं उन्होंने मारा तो मुझे लगा वो मारते चले जाएंगे, तो मैंने खड़ा खींच लिया, अब वहीं गलती कर दी, बहुत ज़्यादा मैंने उसको ऊपर उठा दिया पतंग को, एक एंगल बना, उन्होंने बस मांझे पे रखा ही मेरे, वहीं से ही मैं कट गया, सिंपल सा था। इसमें ये था कि मैं पट मारना चाहिए था, लेकिन थोड़ा जल्दी मारना चाहिए था, जिसने पहल कर दी वो काट दिया, यानी उन्होंने पहल पहले की, पहल का मतलब होता है पहले अपनी चाल चल देना। कभी कभी तो पारस पे इतनी गुस्सा आती है जब देख रहे हैं इतने लंबे पेज चल रहे हैं, लगभग 400 मीटर करीब, और ये देखिए पतंग कैसे ये चला रहा है, उसको भी परेशान कर रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। खैर मैं पेज नीचे से लिए हुए हूँ और वो पेज ऊपर से लड़ाएंगे, आइए देखते हैं पेज की तरफ, बहुत ही बेहतरीन ये पेज चल रहे हैं, जब कोई नहीं रहता तो बड़े ही अच्छे से पेज होता है ये, और देखिए ऊपर से वो बढ़ा के ला रहे हैं, मैं नीचे की तरफ अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा अंदर इसकी वजह से नहीं ले जा पा रहा हूँ, और उसको भी परेशानी हो रही है, देखिए ले जाके रखा उसने, ठीक, बिल्कुल नीचे गद्दा मारा मैंने, बाहर निकलता हुआ मैं खींचा फिर मारी थपकी और वो कट गए भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त ये पेच, अगर आप ऐसा काट ले रहे हैं तो क्या ही कहने भाई, मैं तो अपने मोहल्ले में बहुत अच्छा पतंग लड़ाने लगा हूँ, जो बात है मुझे वाकई फ़ायदा हुआ है इन लोगों के बीच, बड़े बड़े पतंगबाजों के बीच। देखिए उन्होंने ले जाके रखा, बिल्कुल गद्दा मारा, मैंने उसी झोल को पकड़ा और बाहर थपकी मारते हुए निकाल लिया अपनी पतंग, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है इस पेच को काटने का। अगर इनमें झोल ना होता तो मैं अंदर की तरफ खींच देता खड़ा, तो मैं काट सकता था, लेकिन ये देखिए उनका झोल बना, जब उन्होंने खोजा तो झोल बना, तो मैंने अपने राइट की तरफ थपकी मारते हुए हाँक के निकाल लिया पतंग, कट गई। आइए दोस्तों अगले पेज को दिखाता हूँ, फिर से मेरा पेज नीचे की ही तरफ से है, और एक्चुअली इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये किसने पार किया है, गोशी भाई हैं कि कोई और है, ठीक है, नीचे की तरफ से मैं बढ़ रहा हूँ और वो ऊपर पतंग अपनी रखे हुए हैं, ऊपर किया मैंने, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करके देना है क्योंकि पिछली बार दिया था तो तुरंत काट दिया था इन्होंने, थोड़ा पतंग को है ना पट पे लड़ाना चाहिए, आपको याद होगा नदीम भाई ने बताया था जब वो कट गए थे, लेकिन देखते हैं इस पेज में क्या होता है, वो तो अच्छा जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे ला रहे हैं बढ़ के, जब मैं पट ला रहा हूँ तो वो पतंग हटा ले रहे हैं, देखिए पतंग हटा लिया, फिर मैं ऊपर ले, ये देखिए पारस, पारस जो है मुझे बहुत परेशान करता है दोस्तों, कभी ये देखिए कैसे पतंग देखिए बिल्कुल खड़ी कर लिया है, हटा भी नहीं रहा है, बहुत तेज दिमाग खराब होता है, कभी कभी तो जाके पीट आता हूँ, सही बता रहा हूँ, हालांकि पतंग भी दे देता हूँ बाद में देखते हैं, देखिए इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है,
एक तो जल्दी वो रख भी नहीं रहे भाई साहब। अब देखिए मैंने थोड़ी सी पतंग अपनी ऊपर उठाई हुई है, ये देखिए थोड़ी सी और उठा दी, बस यहीं गलती कर गए हम। पहल करके मारा उसने, मैंने कह रहा हूँ पहले ही कट गया, पहल करके उसने मार दिया। जैसे ही मैंने ऊपर पतंग खड़ी की, जैसे ही खड़ी की, उसने नीचे खींच दिया और जगह थी नहीं मुझे यहाँ पे अंदर की तरफ थपकी मारनी चाहिए थी, लेकिन तब तक मैं कट चुका था। दोस्तों जमघट के दिन कम से कम मैंने 3 से 4 पतंगे लड़ाई थी मात्र, और लगभग 15 से 16 पेच काटे थे। और इस पेच में मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये बिल्कुल मेरे कन्ने पे रखे रहते हैं, ठीक है। अपोनेंट जो है ऊपर की तरफ से, मैं नीचे की तरफ हूँ, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और बार बार कन्ने की तरफ रख रहे थे, और फाइनली उन्होंने कन्ने पे ही एक तरह से मारा, लेकिन मैंने हल्का सा झोल छोड़ा तो पतंग जो है बिल्कुल खड़ी हो गई वहाँ पे, और वो वहाँ पे लटक गए। जैसे ही लटके वैसे ही कट गए, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, ये देखिए बिल्कुल कन्ने की तरफ रखे हैं, मैं बोलता भी हूँ बीच में, ये देखिए। आतिशबाजी शुरू हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम था। देखिए कन्ने की तरफ रख रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा भी चढ़ नहीं रहे। फिर वही कन्ना, ये देखिए मारा, वही ढील लेके थपकी मार दी, पतंग जो है खड़ी हो गई। मैंने कहा भी वो कटा, ये पेज तो बहुत ही इजीली काट दिया था क्योंकि इन्होंने निकलता हुआ एक तरह से पट मारा, तो उस पट पे मैंने निकलता हुआ यानी उनके कन्ने के आसपास से निकलता हुआ मेरा मांझा गया, जिससे कि वो कट गया बहुत ही इजीली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, एकदम अगल बगल मांझा चल रहा था, तो इस समय खींचने की बेवकूफ़ी करना कोई मतलब नहीं था। एक तरह से मैंने पतंग रखी हुई थी हल्की सी, एक बार बस थपकी मारी, वो उसी में चले गए। नमस्ते बाबा। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं, मेरी पतंग नीचे से है और ओपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ लिए हुए हैं, उनकी पतंग राइट साइड की तरफ से पड़ी हुई है जो कि लेफ्ट साइड में उड़ रही है ऊपर की तरफ, देखिए मैं नीचे की तरफ हूँ, जो वाकई मेरी पतंग नीचे है वो मेरी है, घूम रही है जो ऊपर किया मैंने, ठीक ऊपर किया, अंदर लेके गए उन्होंने, रखा रखते चले गए, मैंने मारा थपकी तेज, थपकी तेज, और ये काटा पतंग मैंने।
पतंग नीचे का थले। ओनली थपकी। आज दोस्तों मैंने दिखाया किस तरह से आप थपकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मांझे को बगल में ले आइए, तुरंत खींचने का मौका ना दीजिए। सी चलिए दोस्तों पेज लगाते हैं। इतनी भारी है ना, जूते चला यार। नमस्ते हो गए।